गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह योर ब्यूटी एक्सपर्ट। वेडिंग सीजन आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन आने वाले हैं। हमारा स्किन परफेक्ट होना चाहिए, हमारे बाल परफेक्ट होने चाहिए। चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी अपने स्किन और अपने बालों को चाहते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। अगर कोई खास ऐसा मौका आने वाला है, कोई शादी वादी आने वाली है, या फिर कोई ऐसी ब्राइड है जो चाहती है कि उनके बाल अपनी शादी के दिन तक लंबे हो जाए, उनके डी डे में काफी लंबे दिखे, खूबसूरत दिखे, तो ऐसे में मैं एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ। जिन्हें भी अपने बाल लंबे चाहिए एक खास मौके के लिए, या फिर एनी डे आपको लंबा बाल पसंद है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी रीजन से वो रुक गई है, आज की रेमेडी में मैं बताऊंगी बालों की ग्रोथ ना सिर्फ डबल हो जाएगी बल्कि ट्रिपल हो जाएगी। और आप जब इसको धीरे धीरे 2-3 हफ्ते तक लगाएंगे तो आपको विजिबली इफेक्ट दिखाई देगा कि आपके बाल काफी लंबे दिख रहे हैं, काफी ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। बहुत ही आसान है ये रेमेडी, बस आपको एग्जैक्टली इसी तरह से यूज करना है, तो देखिएगा आपके बाल लंबे हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे जरूर पूछेगा कि अरे आपके बाल काफी लंबे दिख रहे हैं, आखिर क्या किया आपने। चलिए देखते हैं इस इफेक्टिव रेमेडी को बनाते कैसे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो आपके बालों को लंबा करेगा, घना करेगा और मजबूत करेगा, खास करके आपके हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी, उसके लिए जो पहला हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ये अंडा। एक एग हमें चाहिए जो ऑर्गेनिक है। तो एग को मैंने इस तरह के एक बोल में रख लिया है, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। अंडा हमारे बालों के लिए इसलिए जरूरी है कि बाल प्रोटीन से बने होते हैं, जो कैरेटिन होता है वो प्रोटीन होता है, और इसलिए अंडे में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए बालों की ग्रोथ के लिए अंडा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा बेस इंग्रेडिएंट है, उसमें हम ऐड करेंगे ये कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप सबसे सस्ता और सबसे असरदार कोई चीज बालों को लंबा करने के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो कैस्टर ऑयल से अच्छा कोई कुछ भी नहीं है। ये हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आप बाकी ऑयल्स की बात करें तो अगर आप किसी भी तरह का कोई तेल अप्लाई नहीं करना चाहती, सिर्फ कैस्टर ऑयल को लगाएं, आपके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से एक चम्मच हमने कैस्टर ऑयल लिया है। उसके बाद ये है स्वीट आलमंड ऑयल, ये भी उतना ही प्योर होता है, अगर फ्रेग्रेंस होता है ना ही कोई कलर होता है, आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अगर आप कुछ अप्लाई करना चाहती है तो ये स्वीट आलमंड ऑयल का ऑप्शन आप ले सकती है। ये स्ट्रांग होता है इसलिए आप इसका 1/4 स्पून ही लीजिए, ये इतना सा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल हमने इसमें ऐड किया है। ये तीनों के तीनों चीजें ही बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आप किसी भी चीज से रिप्लेस मत कीजिएगा। अंडा और कैस्टर ऑयल, ये स्वीट आलमंड ऑयल, ये तीनों के तीनों आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये रोजमेरी ऑयल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोजमेरी ऑयल भी हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छी करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये हमने 5 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स, इसका भी ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विटामिन ई भी हमारे बालों के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ही डल लाइफलेस हो गए हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स के ऑयल अगर आप उसमें ऐड करेंगे तो बालों में नहीं जान आ जाएगी। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट होगा ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए मैजिक की तरह काम करता है। अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में हो गए, यहाँ तक कि हेयर फॉल हो रहा है, बाल बढ़ते नहीं है, लंबे नहीं होते हैं, बालों में कोई जान नहीं है, शाइन नहीं है, तो एलोवेरा जेल आप जरूर अप्लाई करें। इसको भी हम लेंगे, ये इस तरह से हम एक चम्मच हमने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है। और लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है एप्पल साइडर विनेगर, ये बस 1/4 स्पून लेंगे। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स हो चुके हैं, इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये हो गया आपका हेयर मास्क रेडी, जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। ये सारे इंग्रेडिएंट ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसमें से कुछ भी आप स्किप ना करें तो अच्छा है। आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आप अंडा अपने बालों में अप्लाई नहीं करना चाहते, तो अंडे की जगह आप कर्ड यूज कर सकते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट आप वैसे ही रहने दीजिए। इसको लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, इसको आप किसी भी ब्रश की हेल्प से या हाथों से आप हेयर रूट्स में अप्लाई कीजिए, 2 घंटे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। तो देखा आपने कितना आसान था ये बनाना, और इसको अप्लाई करना भी बहुत ही आसान। आपको हेयर रूट्स पे यूज करना है, आपको 2 घंटे तक लगा कर रखना है, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। हाँ, एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिए कि कौन सा ऑयल और कौन सा शैम्पू आप यूज कर रहे हैं, इसका बहुत जरूरी होता है हमारे बालों की ग्रोथ के ऊपर, या बालों की थिकनेस के ऊपर, या फिर बालों के टेक्सचर के लिए। तो मेक श्योर कि आपका शैम्पू आपके बालों को सूट कर रहा है, आपके जो ऑयल आप जो भी यूज करें वो आपके बालों को सूट कर रहा है। शैम्पू तो मैं बता चुकी हूँ कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, बहुत जल्द मैं बताऊंगी कि बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा होता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।